नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। दोस्तों, एक मज़े की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत भी यहाँ पर कर रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है बातचीत, जिसमें हम हास्य व्यंग के कई सारे इंटरव्यूज़ आप तक पहुँचाएंगे। आपने अब तक हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया, जिस वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है वो 4600 के आसपास तक पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे और हमारी बातों को एंजॉय भी करेंगे और आगे शेयर करके औरों तक भी पहुंचाते रहेंगे। जो व्यंग वाचन की सीरीज़ है वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं जो व्यंग आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग संतुष्ट असंतुष्ट। संतुष्ट और असंतुष्ट, हरिशंकर परसाई। एक राजनीतिक पत्रकार के साथ विधानसभा की कैंटीन में बैठा था। ठीक सामने एक विधायक बैठा था, उसके सामने चाय का प्याला रखा था। वो भुनभुनाया सा प्याले को देख रहा था। प्याले में मक्खी गिर गई। विधायक बड़बड़ाया, कैसा ढीला शासन है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया, दिन दहाड़े चाय में मक्खी गिर जाती, हाईकमान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे साथी ने कहा, ये एक असंतुष्ट विधायक है, ये मंत्री नहीं हो पाया, इसका गुट मार खा गया, इसका आदमी या ये जिसका आदमी है मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। विधायक ने दूसरा कप मंगा लिया, गरम चाय को 3 घूंट में निगल कर कप रख दिया। कप को इस तरह देखता रहा मानो सरकार गिरा दी हो। बगल की टेबल पर भी एक विधायक बैठा था, वो किसी से कह रहा था, भला आपका काम नहीं होगा तो किसका होगा, मैं आज ही बाबूजी से बात कर लूंगा। उस आदमी ने मिठाई समोसे और चाय का बिल चुका दिया। मेरे साथी ने कहा, ये संतुष्ट विधायक है, इसके गुट का मंत्रिमंडल है, इसके बाबूजी मंत्री हैं। संतुष्ट और असंतुष्ट विधायक में ये खुला फर्क है कि संतुष्ट का बिल दूसरा चुकाता है और असंतुष्ट को अपना बिल खुद चुकाना पड़ता है। असंतुष्ट जब संतुष्ट हो जाता है तब उसका बिल चुकाने वाले भी निकल आते हैं। इस तरफ एक और विधायक बैठा था, उससे मेरे साथी ने कहा, कहिए बंसल जी, क्या हाल है? उसने कहा, हाल क्या है साहब, बस डिग्निफाइड क्लर्की कर रहे हैं। अरे हम तो साहब अनुशासन से बंधे हैं, पर आप जैसे पत्रकार भी कुछ लिखते नहीं। वो उठ गया तो मेरे साथी ने कहा, ये अल्प संतुष्ट है, इसे मंत्री नहीं बनाया गया मगर इसके साथ 8 विधायक हैं, पटाए रखने को इसे मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया गया है, ये संतोष और असंतोष के बीच झूल रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति वफादारी बरतता है पर उधर असंतुष्ट गुट के नेता से सौदा करता है कि मुझे बनाओ तो अपने 8 साथी लेकर तुमसे मिल जाऊं। मेरे साथी ने कहा, अब मैं तुम्हें परम संतुष्ट दिखाता हूं। वो मुझे एक मंत्री के चेंबर में ले गया। मंत्री आराम कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मेरे मित्र से कहा, ठीक है आपका काम हो जाएगा, शाम को बंगले पर आ जाइए। मंत्री ने 2 पान मुंह में ऐसे डाले जैसे फायरमैन इंजन में कोयला ठोंसता है। वे 5 चबाते हुए फिर लुढ़क गए। ऐसा लगा जैसे जेठ की दोपहरी में बैल ने भर पेट घास खाई हो, पानी पिया हो और आम की छांह में बैठकर जुगाली कर रहा हो। विधायकों की 2 जातियां होती हैं, संतुष्ट और असंतुष्ट। इनकी बाहरी पहचान कुछ नहीं है सिवा इसके कि असंतुष्ट थोड़ा भुनभुनाया सा रहता है, उसके चेहरे पर तनाव रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संतुष्ट विधायक तिलक लगाता हो और असंतुष्ट कान में जनेऊ डाले रहता हो। ये दोनों जातियां कांग्रेस सरकार के जमाने में भी थीं और अब भी हैं। कांग्रेस एक पार्टी थी, उसमें कुछ अनुशासन था, इसलिए कांग्रेस का असंतुष्ट भीतर ही भीतर धुंधियाता था।
उसका नशेमन जब जलता था तो उस पर अनुशासन की मिट्टी डाल दी जाती थी। पर जनता पार्टी तो पार्टी ही नहीं है, इसमें 5 पार्टियां हैं। कांग्रेस में एक असंतुष्ट होता था तो जनता में 4 होते हैं। चमन में यहां धुआं उठता है और वहां धुआं उठता है। चंद्रशेखर और मोरारजी भाई हरियाणा में फायर ब्रिगेड लेकर पहुंचते हैं तो खबर मिलती है उत्तर प्रदेश में आग लग गई। लखनऊ पहुंचते हैं तो खबर आती है कि पटना में भीषण अग्निकांड। पार्टी का विश्वास प्राप्त करो, मुख्यमंत्री ने पार्टी में बहुमत खो दिया। असंतुष्टों की मांग, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। राजनीति में जब एक गुट पिट जाता है तो वो असंतुष्ट होकर जनता के दुखों पर विलाप करने लगता है कि हाय जनता की हालत कितनी खराब है, पीने को पानी नहीं मिलता, दाम आसमान पर चढ़ गए हैं, गुंडागिरी का ये हाल है कि माताएं बहनें सड़क पर नहीं निकल सकती, हाय जनता की हालत देखकर रोना आता है। ये असंतुष्ट आंसू पोंछने के लिए 4-4 रुमाल रखते हैं। जो धोती पहनते हैं उनकी धोती आंसुओं से गीली हो जाती है। जब ये असंतुष्ट सत्ता में पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं तब इनकी जगह नए असंतुष्ट आकर जनता की हालत पर रोने लगते हैं। देवीलाल को अगर बहुमत न मिलता तो इस समय वे जनता के दुख से इतना रो रहे होते कि उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ आ जाती। संतुष्ट और असंतुष्ट का झगड़ा और बढ़ेगा। हर रोज नए संतुष्ट और असंतुष्ट बनेंगे। रोज सरकारें गिरूं गिरूं ऐसा करेंगी। आखिर समाधि पर गांधी जी की जो शासन पैदा हुआ था उसे जल्दी से जल्दी समाधि में भी तो पहुंचाना है। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट के बाद अब पराजय घाट बनने लगा है। अब रोज ही असंतुष्ट असंतुष्ट का खेल होना है, रोज ही विश्वास और अविश्वास होना है। तो मेरा एक सुझाव है, हर विधायक एक बिल्ला लगाया करे। बिल्ले के एक तरफ लिखा हो संतुष्ट और दूसरी तरफ लिखा हो असंतुष्ट। विधायक अगर संतुष्ट है तो वैसा बिल्ले का पहलू लगाए, असंतुष्ट है तो दूसरी तरफ पलट ले। जब विधानसभा बैठे तो सचिव बिल्ले गिन ले। अगर संतुष्ट बिल्ले ज्यादा हैं तो उस दिन सरकार रह सकती है। अगर किसी दिन असंतुष्ट बिल्ले ज्यादा हो गए तो अध्यक्ष आदेश दे, ये सरकार गिर गई, असंतुष्ट लोग अपना नेता चुन लें जो मंत्रिमंडल गठित करे। सारे विधायक अपने बिल्ले पलट लें, जो संतुष्ट थे वे असंतुष्ट हो जाएं और जो असंतुष्ट थे वे संतुष्ट हो जाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, इसे शेयर भी करें वीडियो को, ताकि ये बात बहुत से लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।